अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। 10 मल्ला 35x65 में घर है। इसकी लोकेशन सेक्टर सी बहरिया टाउन लाहौर है। इसकी डिमांड 270 लाख है। 2,70,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। इसकी तमाम डायमेंशन प्लान और इंटीरियर आज आपके साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द विजिट। ये इसका कार पोर्च, इसकी टाइलिंग और सीलिंग देखी आपने। ये फ्रंट लॉन और ये विंडो जो है वो है ड्राइंग रूम की, जो फ्रंट लॉन से नज़र भी आ रही है आपकी। ये आयत लिखी हुई है जी, मोज़ाइक का वर्क हुआ है कार पोर्च की वॉल में और ये ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की मेन से एंटर होते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे स्टेज जा रही है फर्स्ट फ्लोर की तरफ और राइट साइड पे ड्राइंग रूम डोर है। इसी तरह हम आगे चलेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लेफ्ट तरफ स्टेयर्स और राइट तरफ ड्राइंग रूम और आगे ग्राउंड फ्लोर की एक और मेन एंट्रेंस है, उसमें चलते हैं। तो इसमें आते ही हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है राइट साइड पे और ड्राइंग रूम के टीवी लाउंज आ जाता है और टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने किचन है। ये फ्लोरिंग सामने स्टोन लगा हुआ है पूरी वॉल पे। ये सीलिंग डिज़ाइन, इसको दूसरे एंगल से भी दिखा दूंगा जिसमें पूरा व्यू नज़र आ जाएगा आपको। इसमें 2 बेडरूम बैक साइड पे हैं, 5 बेडरूम टोटल हैं, 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये फ्लोरिंग, इसमें इसके बिल्कुल सामने किचन जैसा कि मैंने बताया था और इसमें फुल व्यू आ गया जी सीलिंग डिज़ाइन का। इसमें फानूस भी है, वो भी क्लोज करके दिखा दूंगा। सामने किचन नज़र आ रहा है आपको और इस तरफ ये ड्राइंग रूम का डोर है, सेपरेशन के लिए वुडन डोर दिया गया। ये हम किचन में आ गए, वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर। किचन कैबिनेट्स जो हैं वो वाइट कलर में है। साइड स्पेस से इसकी वेंटिलेशन होती है किचन की। वाइट कोरियान लगा हुआ है इसमें और ये फ्लोरिंग देख सकते हैं आप इसकी। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लेकिन सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है इसका। आगे चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये ड्राइंग रूम का डोर जो मैंने आपको बताया था, सामने चलते हैं। ये टाइल ड्राइंग रूम की, सामने विंडो जो कि फ्रंट लॉन से नज़र आ रही थी, हम फ्रंट लॉन पे थे। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फानूस भी लगा आप देख सकते हैं। फायरप्लेस में इसमें दी गई है, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। ये फायरप्लेस है, इसमें इंटीरियर किया गया है इस पूरी वॉल पे और उसी में फानूस, उसमें फायरप्लेस दे दी गई है। ये फानूस ड्राइंग रूम का। बेडरूम्स की तरफ हम चलेंगे जो ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम्स हैं, उनको 1 बाय 1 देखते हैं। ये पहले बेडरूम में आ गए, वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर। सामने आपका यहाँ पे बेड आ जाएगा जहाँ पे वॉलपेपर दिया गया इस पूरी वॉल पे। ये विंडो है बैक ओपन स्पेस में फॉर द वेंटिलेशन पर्पस और ये वार्डरोब इसमें। ये फ्लोरिंग आप देख सकते हैं इसकी, वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर। और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक करते हैं। ये है जी इसका सीलिंग डिज़ाइन, आप चलते हैं वॉशरूम में। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है, सामने वेंटी टाइलिंग आप देख सकते हैं। ये सीलिंग डिज़ाइन इसका, इसके साथ ये कमोड, सामने जकूजी दी गई है क्योंकि अभी ये नया घर है तो उसको अभी यूज़ नहीं किया तो वो अभी क्लोज में ही पड़ी हुई है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने वो टाइल देखिए आप देख सकते हैं। दूसरे बेडरूम में चलते हैं हम। ये हम दूसरे बेडरूम में आ गए, इसमें भी वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर और इसकी भी वेंटिलेशन बैक ओपन स्पेस से होती है। और ये इसका यहाँ पे बेड आ जाएगा जहाँ पे आपको वाल पेपर नज़र आ रहा है। ये फ्लोरिंग इसकी, इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक करते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन इसका। इसमें वार्डरोब दी गई है, वार्डरोब चेक कर सकते हैं आप। और इसके साथ अटैच वॉशरूम, 8x5 फिट का ये बात है। बैक ओपन स्पेस में वेंटी कमोड और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे।
यहाँ की हम फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आते ही एक बेडरूम फ्रंट पे है, दो बेडरूम बैक साइड पे हैं, दोनों के दरमियान जो है वो टीवी लाउंज और सामने किचन है। ठीक है, जो फ्रंट पे एक बेडरूम है और जो बैक साइड पे दो बेडरूम है उनके दरमियान में टीवी लाउंज और किचन है। ये हम जैसे कि टीवी लाउंज देख भी सकते हैं आप, सामने मीडिया वॉल भी है इसमें। दूसरे एंगल से देख लें, ये दोनों बेडरूम बैक साइड पे हैं और एक फ्रंट पे है। मैं आपको साथ साथ प्लान भी समझाता रहता हूँ ताकि आपने भी अगर अपना घर बनाना हो तो आपको इजीली इस प्लान की समझ आए। ये सीलिंग डिज़ाइन है इसका, सामने इसके बिल्कुल ओपन किचन है, ये मीडिया वॉल, ये ओपन किचन, इसमें वाइट कोरियान लगा हुआ है, इसमें किचन कैबिनेट्स देख सकते हैं आप, किचन का सीलिंग डिज़ाइन। आगे जाके क्लोज करके भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये फ्लोरिंग इसकी, ये देख लें आप, नीचे वाली किचन कैबिनेट्स वाइट कोरियान लगा हुआ है इसमें, ये ऊपर वाली किचन कैबिनेट्स, और इसमें इसका फुल व्यू दिखाते हुए सीलिंग डिज़ाइन भी देख लें आप, क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सीलिंग डिज़ाइन इसका। बेडरूम की तरफ आ गए हम, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, विंडो, इसके साथ अटैच वॉशरूम, ये वार्डरोब। अब चलते हैं जी इसकी फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन देख लेते हैं। ये फ्लोरिंग इसकी और ये है जी इसका सीलिंग डिज़ाइन। इसके साथ अटैच वॉशरूम, सामने आते ही इसमें वेंटी, सामने कमोड, टाइलिंग आप देख सकते हैं, शॉवर, फ्लोरिंग, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। दूसरे बेडरूम में चलते हैं, वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर इसका भी। यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, ये वॉल पेपर पूरी वॉल पे, वार्डरोब, विंडो, यहाँ पे आपका बेड अटैच हो जाएगा, फ्लोरिंग, और ये है जी इसका सीलिंग डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका। इसके साथ चलते हैं अटैच वॉशरूम में, इसमें भी चकुजी दी गई है और एक जो नीचे वाला बेडरूम था उसमें भी चकुजी दी गई है। ये वेंटी, कमोड, सेपरेशन करके चकुजी को रखा गया है। आगे हम दिखा भी देते हैं इसको, ये देख भी सकते हैं आप इसका फुल व्यू। और ये है जी इसका सीलिंग डिज़ाइन। लास्ट वन बेडरूम में हम आ गए, सामने वॉलपेपर, ये फ्रंट विंडो जो कि फ्रंट एलिवेशन से नज़र भी आ रही थी जब मैंने आपके साथ फ्रंट एलिवेशन शेयर किया था, वार्डरोब, फ्लोरिंग, और ये है इसका सीलिंग डिज़ाइन। सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें, फुल व्यू उसमें नज़र आ रहा है सीलिंग डिज़ाइन का। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम, सामने वेंटी आ गई, सेपरेट कमोड लगा हुआ है, फ्लोरिंग देख ली आपने, टाइलिंग देख ली आपने, और इसके साथ मैं आपके साथ सीलिंग डिज़ाइन का शेयर करता हूँ। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें।